सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू अवर फैमिली स्टडी हब वे टू सक्सैस। अज की क्लास में मैं थोड़े लिए साइंस टैक्नोलॉजी संबंधित ऑबजेक्ट टाइप क्वेश्चन लेके आई हाँ। अगर तुसी किसी भी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हैल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि अज की क्लास में मैं थोड़े लिए वो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हाँ जेडे कि हर बार एग्जाम पूछे जाते हैं। डोंट मिस क्वेश्चन, डोंट वेस्ट टाइम, लैट स्टार्ट द क्लास। क्लास में शुरू करने तो पहले वीडियो में लाइक शेयर कमेंट जरूर करना जी, तो नाल ही बैल आइकन जरूर दबा देना जी। सो साड़ी आज दी क्लास का साड़ा फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सब तो हल्का गैस है। हाँ जी, वायुमंडल में सब तो हल्का गैस केड़ा है? ऑप्शन से है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या इन विचों कोई भी नहीं। हाँ जी, सब तो हल्का गैस केड़ा है जिहड़ा वायुमंडल में है? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। नैक्सट क्वेश्चन है, IRNSS एक स्वतंत्र खेतरी नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिस द्वारा विकसित किया जा रहा है। हाँ जी, ये एक स्वतंत्र खेतरी नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जेड़ा किस द्वारा विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन से है जापान, अमरीका, ब्राज़ील या चीन। हाँ जी, इधर राइट आंसर की है जापान। हाँ जी, किस द्वारा विकसित किया जा रहा है? जापान द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस द राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है, विज्ञान विच मिट्टी अध्ययन नू की कहा जाता है? हाँ जी, साइंस के अकॉर्डिंग मिट्टी का अध्ययन किनू कहा जाता है? ऑप्शन से है पेडोलॉजी, सिक्ख्या शास्त्र या इकोलॉजी या पोमोलॉजी। हाँ जी, विज्ञान विच मिट्टी के अध्ययन नू की कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेडोलॉजी कहा जाता है, इसनों मिट्टी के अध्ययन पेडोलॉजी। नैक्सट क्वेश्चन है, डोलोमाइट एक धात है? हाँ जी, डोलोमाइट एक धात है, केड़ी धात है? ऑप्शन से है जिंक, लीड, आयरन या मैगनीशियम। हाँ जी, डोमोलाइट एक धात है, केड़ी धात है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैगनीशियम धात है डोमोलाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है, ब्लास्ट फरनेस विच स्लैग के रूप में केड़ा प्राप्त होंदा है? हाँ जी, ब्लास्ट फरनेस विच स्लैग के रूप में केड़ा प्राप्त होंदा है? ऑप्शन से है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सिलिकेट। हाँ जी, ब्लास्ट फरनेस विच स्लैग के रूप में केड़ा प्राप्त होंदा है? ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, कैल्शियम सिलिकेट है जो स्लैग के रूप में प्राप्त होंदा है। नैक्सट क्वेश्चन है, तारे विच प्लाज्मा इन्हां करके कारणा करके हुंदा बनता है? हाँ जी, तारे विच जिहड़ा प्लाज्मा है वह इन्हां कारणा करके बनता है? ऑप्शन से है उच्च तापमान करके, उच्च दबा करके, घट दबा करके या घट तापमान करके। हाँ जी, तारे विच प्लाज्मा है इन्हां कारणा करके बनता है, किहड़े कारणा करके प्लाज्मा जिहड़ा तारे विच प्लाज्मा जिहड़ा बनता है किन्हां कारणा करके बनता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए उच्च तापमान करके। नैक्सट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अणहोद विच उच्च तापमान ते जैविक पदार्थों के सड़न नू किया जाता है? हाँ जी, ऑक्सीजन की अणहोद विच उच्च तापमान ते जैविक पदार्थों के सड़न नू की किया जाता है? ऑप्शन से है पायरोलिसिस या थर्मोलोसिस या कैरमलाइजेशन या कैटेगेनेसिस। हाँ जी, ऑक्सीजन की अणहोद विच उच्च तापमान ते जैविक पदार्थों के सड़न नू की किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पायरोलिसिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, जिहड़ा कि जैविक पदार्थों के सड़न नू ए कहा जाता है पायरोलिसिस। नैक्सट क्वेश्चन है, रेडियो संचार विच प्रसारित एंटीना द्वारा निकले सिग्नल ते प्रतिबिंब होंदे हन? हाँ जी, रेडियो संचार विच प्रसारित एंटीना द्वारा निकले सिग्नल ते प्रतिबिंबित होंदे हन? ऑप्शन च हैगे स्ट्रेटोसफीयर, ओजोनोसफीयर या आइनोसफीयर या ट्रोपोसफीयर। हाँ जी, की प्रतिबिंब होंदे हन इन्हां दे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, आइनोसफीयर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, जिहड़ा रेडियो संचार विच प्रसारित एंटीने द्वारा निकले सिग्नल ते प्रतिबिंबित होंदे हन, ओह की होंदे ने? आइनोसफीयर। नैक्सट क्वेश्चन है, सर्वव्यापक दानी खून ग्रुप है? हाँ जी, सर्वव्यापक मतलब सांझा व्यापक दानी खून है जो आप सारे दे सकते हैं। ऑप्शन से है ए बी, बी ए, ओ या ए। हाँ जी, कि सर्वव्यापक दानी खून ग्रुप होंगे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, ओ।
ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਝੀਲ ਦਾ ਸਤਹਿ ਪਾਣੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਝੀਲ ਦਾ ਸਤਹਿ ਪਾਣੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਝੀਲ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 0°C ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ 0, -1, 1 ਜਾਂ 4। ਹਾਂਜੀ ਝੀਲ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 1। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, 1 ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਏਗਾ 0°C ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪੰਛੀ, ਕੀੜੇ, ਫਾਸਿਲ ਜਾਂ ਫੰਜਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਕੀਟ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਸਿਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਪਿਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਕਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੰਜ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸਪਿਨ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟਨ, ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੇਸਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਪਿਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ 2019 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਵਿਸ ਆਧਾਰਿਤ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ, ਰਜਿੰਦਰ ਨਾਥ ਖਜਾਨਚੀ, ਅਨਿਲ ਸ਼ੁਕਲ ਜਾਂ ਰਾਜੇਂਦਰ ਜੋਸ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ 2019 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਵਿਸ ਆਧਾਰਿਤ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ 2019 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨਿਤ 2019 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸੀ ਸਵਿਸ ਆਧਾਰਿਤ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕੀੜੇ ਨਾਲ, ਉੱਲੀਮਾਰ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕੀੜੇ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਾਈਲੇਰੀਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੰਗਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੰਗਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਲੀਡ, ਕੋਪਰ ਸਲਫੇਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਕ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜ਼ਿੰਕ। ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੰਗ ਦਿਖਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿਸਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿਸਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਪਹਾੜ, ਭੂਚਾਲ, ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿਸਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀ ਹੈ? ਭੂਚਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਏ ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨੀ ਖੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਏ ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨੀ ਖੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਏ, ਬੀ ਜਾਂ ਏ ਬੀ ਜਾਂ ਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਏ ਬੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏ ਬੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕਿਸ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਐਮੀਮੀਟਰ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ, ਐਨੀਮੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਵਾਟਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਐਮੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੈਂਸਲਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਂਸਲਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਲੂਈ ਪਾਸਚਰ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰੈਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡਵਰਡ ਜੈਨਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਂਸਲਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਨੇ।
पेंसिलिन की खोज की सी। द राइट आंसर है ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है, धरती का सब तो व्डा इकोसिस्टम है। हाँ जी, धरती का सब तो व्डा इकोसिस्टम की है? ऑप्शन हैगा बायोम जा हाइड्रोस्फीयर जा थैलोस्फीयर जा जीवमंडल। हाँ जी, धरती का सब तो व्डा इकोसिस्टम की है? ऑप्शन नंबर ए बायोम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, बायोम धरती का सब तो व्डा इकोसिस्टम है। नैक्सट क्वेश्चन है, एक शरीर जो गर्मी का एक चंगा सोखक भी है। हाँ जी, एक शरीर जो गर्मी का एक चंगा सोखक भी है। ऑप्शन च है चंगा रिफ्लैक्टर जब भविखबाणी नहीं की जा सकती जा चंगा रेडिएटर जा खराब रेडिएटर। हाँ जी, एक शरीर है जो गर्मी का एक चंगा सोखक भी है। हाँ जी, इधर राइट आंसर की है ऑप्शन नंबर सी चंगा रेडिएटर। चंगा रेडिएटर है जो गर्मी का एक चंगा सोखक है। नैक्सट क्वेश्चन है, भूचाल कारण होंगे। हाँ जी, भूचाल किन कारण करके होंगे? ऑप्शन च है इंधनशीलता कारण जा टैक्टोनिजम जा धरती की क्रांतिकारी जा धरती का रोटेशन। हाँ जी, भूचाल किन कारण करके होंगे? इधर राइट आंसर की है ऑप्शन नंबर बी टैक्टोनिजम कारण होंगे भूचाल। नैक्सट क्वेश्चन है, बिजली और चुंबकता के पिता वजों किसान जाने जाता है? हाँ जी, बिजली और चुंबकता के पिता वजों किसान जाने जाता है? ऑप्शन च है माइकल फैराडे जोसफ हैनरी जा विलियम गिलबर्ट जा जॉर्ज साइमन होमन। हाँ जी, बिजली और चुंबकता के पिता वजों किसान जाने जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, विलियम गिलबर्ट न बिजली और चुंबकता के पिता वजों जाने जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है, केड़ा बालन सब तो वध कलैरोफिक मुल रखता है? हाँ जी, केड़ा बालन है जिहड़ा सब तो वध कलैरोफिक मुल रखता है? ऑप्शन च हैगे है नाइट्रोजन मिथेन हाइड्रोजन जा इथिलिन इथिलिन जा इन्हां विचों कोई भी नहीं। हाँ जी, इहदा राइट आंसर की है, केड़ा बालन सब तो वध कलैरोफिक मुल रखता है? ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है जिहड़ा सब तो वध कलैरोफिक मुल रखता है। सो अज की वीडियो साड़ी इत्थे ही खत्म होंदी है। अगर वीडियो चंगी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो नूं वध तो वध लाइक शेयर कमेंट जरूर करना जी। जो साढ़े इस वीडियो ते नवे जुड़े हैं वो साढ़े चैनल वध तो वध सबसक्राइब करना जी, ता जो तुहानू नवी तो नवी अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम। धन्यवाद जी।